आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक अमीनो एसिड्स एंड टॉपिक प्रोटीन्स इन दोनों के आ, क्लासिफिकेशन क्या होगा केमिकल नेचर क्या होगा एंड बायोलॉजिकल रोल होगा ये हम देखेंगे सो सबसे पहले आता है अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स होते क्या है अमीनो एसिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप्स अमीनो एंड कार्बोक्सिल अमीनो ग्रुप इज बेसिक एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इज एसिडिक तो अमीनो एसिड्स जो हैं ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अमीनो एंड कार्बोक्सिल अमीनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक होता है एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एसिडिक होता है न क्लासिफिकेशन क्या होता है अमीनो एसिड्स का सो so, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है केमिकल नेचर या पोलैरिटी के ऊपर बेस्ड है ये क्लासिफिकेशन तो इसके बेसिस पर अमीनो एसिड्स जो हैं दो टाइप के होते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स एंड पोलर अमीनो एसिड्स नॉन पोलर अमीनो एसिड्स को हाइड्रोफोबिक या फिर वाटर हीटिंग अमीनो एसिड्स भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि आर ग्रुप के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है तो इसलिए इन्हें नॉन पोलर अमीनो एसिड्स कहते हैं इसका एग्जाम्पल है एलेनिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन वेलिन मिथियोनिन फिनाइल एलेनिन नेक्स्ट है नॉन नेक्स्ट uh, है पोलर अमीनो एसिड्स तो इन्हें हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं इनमें से जो ज़्यादातर अमीनो एसिड्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है आर ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होगा एग्जाम्पल है आर्जिनिन इन एस्पार्जिन एस्पार्टिक एसिड सिस्टीन एंड ग्लूटामिक एसिड और भी आते हैं इसके अंदर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं देन सेकेंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर अमीनो एसिड्स जो तो हैं ये तीन टाइप के होते हैं एसेंशियल और इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल और डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स एंड सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स सो सबसे पहले एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं अमीनो एसिड्स जो अपनी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज़ नहीं हो सकते हैं एंड हमें डाइट से उन्हें लेना होता है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं इसका एग्जाम्पल है वेलिन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन लाइसिन मिथियोनिन फिनाइल एलिनिन थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफेन नेक्स्ट आते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स सो अमीनो एसिड्स जो अपनी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन एलेनिन सेरिन सिस्टीन एस्पार्टेट एस्पार्जिन ग्लूटामेट ग्लूटामिन टायरोसिन एंड प्रोलिन न सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो एडल्ट जो है वो तो उनकी बॉडी तो सिंथेसाइज कर सकती है बट जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है उन्हें हम सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं इसका एग्जाम्पल है आर्जिनिन एंड हेस्टेडिन नो थर्ड मेटाबॉलिक फेट के बेसिस पर अमीनो एसिड्स जो हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं फर्स्ट आता है ग्लाइकोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स सेकंड है कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स एंड थर्ड है ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स सो सबसे पहले ग्लाइकोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन में मदद करते हैं इसका एग्ज़ाम्पल है एलिनिन एस्पार्टेट ग्लाइसिन मिथ्योनिन एक्सेट्रा देन कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि फैट्स के सिंथेसिस में मदद करते हैं एग्जाम्पल है ल्यूसिन एंड लाइसिन नेक्स्ट ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स तो ये अमीनो एसिड्स जो हैं ये ग्लूकोज के सिंथेसिस में एंड फैट के सिंथेसिस में दोनों में मदद कर सकते हैं इसका एग्ज़ाम्पल है आइसोल्यूसिन फिनाइल एलेिन ट्रिप्टोफेन टाइरोसिन ना नेक्स्ट आता है केमिकल नेचर क्या होगा अमीनो एसिड्स का सो अमीनो एसिड्स जो है इनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अमीनो एंड कार्बोक्सिल अमीनो ग्रुप जो है वो बेसिक होता है एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो एसिडिक होता है एंड ये जो है नॉन पोलर या फिर पोलर हो सकते हैं अमीनो एसिड्स पोलैरिटी के बेसिस पर ना बायोलॉजिकल रोल क्या है अमीनो एसिड्स का सो so, फर्स्ट है अमीनो एसिड्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के सेकेंड ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पार्ट ऑफ को एनजाइम को बनाते हैं नेक्स्ट ये प्रिकर्सर प्रिकर्सर होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए जैसे कि हीम के सिंथेसिस के लिए नेक्स्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस के लिए नेक्स्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स जैसे कि नहीं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स एंड माओग्लोबिन्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रोटीन्स सो प्रोटीन्स होते क्या है प्रोटीन्स कैन बी डिफाइंड एज हाई मोलिकुलर वेट मिक्स्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स जॉइंट टुगेदर विद पेप्टाइड लिंकेज सो प्रोटीन्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हाई मोलिकुलर वेट मिक्स्ड पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के जो कि जॉइंट होते हैं पेप्टाइड लिंकेज की मदद से बीस अमीनो एसिड्स जो हैं कॉमनली प्रोटीन के अंदर मिलते हैं तो चेन जो है अमीनो एसिड्स के चेन जिसके अंदर पचास से कम अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम पेप्टाइड कहते हैं एंड जिसके अंदर पचास या पचास से ज़्यादा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं नौ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी के बेसिस पर प्रोटीन्स जो हैं दो टाइप के होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स सो फाइब्रस प्रोटीन क्या होंगे ये प्रोटीन्स जो हैं फाइब्रस होते हैं नेचर में एंड फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं ये लॉन्ग लीनियर चेन्स होती हैं प्रोटीन्स की जो कि एक दूसरे से अटैच होते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से हाइड्रोलाइटिक प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो भी फाइब्रस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते इनका एग्जाम्पल है कोलेजन जो कि स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है कैराटिन जो कि हेयर के अंदर प्रेजेंट होता है फाइब्रोन जो कि सिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है सेकेंड है ग्लोबुलर प्रोटीन्स तो ये जो होते हैं ये हाईली ब्रांच कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड्स के पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होती है क्रॉस लिंक्ड ग्रुप्स के द्वारा एंड ग्लोबले प्रोटीन्स जो होते हैं वाटर के अंदर सोलबल होते हैं एंड डायल्यूट एसिड्स एल्कलीज एंड सॉल्ट्स के अंदर भी सोल्यूबल होते हैं इनका एग्जाम्पल है हॉर्मोन्स एंजाइम्स एंड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही जाती है उसके बेसिस पर जो प्रोटीन्स हैं दो टाइप के होते हैं सिंपल प्रोटीन्स एंड कॉन्जुकेटेड प्रोटीन्स सिंपल प्रोटीन्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स को जब हाइड्रोलाइसिस इनका करा जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड ही रिलीज़ करते हैं एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन एंड प्रोटमीन्स देन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो होते हैं इन प्रोटीन्स के अंदर नॉन प्रोटीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में जुड़े हुए होते हैं जैसे और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं प्रोस्थैटिक ग्रुप इसका एग्जाम्पल है न्यूक्लियो प्रोटीन्स लाइपोप्रोटीन्स ग्लाइको प्रोटीन एंड फॉस्फोप्रोटीन ना हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेज के अंदर चार लेवल्स होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है इसमें क्या होता है कि सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स डिफाइन हो जाते हैं साइड्स मतलब कहाँ कहाँ पर डायसेल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो चीज़ इसके अंदर डिफाइन हो जाती है देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है स्पेस जो होता है एडजस्टेंट अमीनो एसिड रेजिड्यूज का पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर उसके अंदर देन टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है टर्शरी स्ट्रक्चर में एक स्पेशल रिलेशनशिप जो है सारे के सारे अमीनो एसिड जो हैं पॉलीपेप्टाइड के अंदर उनके बीच में जो बन जाता है उसे कहते हैं इसे हम कंप्लीट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का कह सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें कंप्लीट प्रोटीन जिसके अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है वो आता है ये लेवल जो होता है स्ट्रक्चर का ये रिप्रेजेंट करता है स्पेस के अंदर अरेंजमेंट सब यूनिट का एंड नेचर जो होता है इंटरैक्टिंग फोर्सेस का उसके बीच में उसको ये रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट आता है केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स का केमिकल नेचर क्या होता है प्रोटीन्स जो हैं एसिड या एंजाइम के साथ में रिएक्ट करते हैं पेप्टाइड एंड फ्री अमीनो एसिड्स बनाने के लिए इस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है नेक्स्ट ये जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल्स को नेक्स्ट नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो हीट की मदद से टूट जाते हैं इसे डी कहते हैं न बायोलॉजिकल रोल क्या होगा प्रोटीन्स का फर्स्ट है प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्स्टिटेंट होते हैं सेल के नेक्स्ट है एंजाइम्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को नेक्स्ट है बहुत सारे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं नेक्स्ट है ये ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स में मदद करते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन माओग्लोबिन एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा नेक्स्ट है एक्टिन एंड मायोसिन जो है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स है जो कि मसल्स के अंदर प्रजेंट होते हैं नेक्स्ट इज़ ये जो है प्रोटेक्टिव की तरह काम करते हैं जैसे कि कैरेटिनस हो गए सपोर्टिव हो गए जैसे कि ओके okay. ये जो है प्रोटेक्टिव की तरह काम करते हैं जैसे कि कैरेटिन सपोर्टिव की तरह काम करते हैं जैसे कि कोलेजन एंड डिफेंस की तरह काम करते हैं जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन्स नेक्स्ट रिसेप्टर प्रोटीन्स जो हैं वो जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को नेक्स्ट है प्रोटीन्स हो गए जैसे कि थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन एक्सेट्रा ये पार्टिसिपेट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स के रूप में नेक्स्ट है प्रोटीन रोडोप्सिन जो होता है रेटिना का वो लाइट को सेंस करने का काम करता है लास्ट फंक्शन या लास्ट बायोलॉजिकल रोल क्या है प्रोटीन्स का कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल करते हैं सर्कुलेटिंग ब्लड का एंड इंटस्टिशियल फ्लूइड का सो so ये हो गया कंप्लीट प्रोटीन्स टॉपिक